दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों, बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस और आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने दो पहले जो हमने हिंदी साहित्य के वीडियो अपलोड किए हैं, एक कल किया था एक परसों किया था, उन दोनों वीडियो को आप पहले देखें, क्योंकि अगर आप उनको नहीं देखोगे तो आप मतलब कि कम से कम 1-2% गलत करके आओगे, ये पक्का है। उनमें से क्वेश्चन आने पक्के हैं दोस्तों, एक बार उन दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देख ले। तीसरा वीडियो है ये जिसके अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं आदिकाल, और आदिकाल के अंदर देखिए आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे आदिकाल के जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए उनको देखेंगे, और रस शब्द की उत्पत्ति है जो किस प्रकार हुई उसको देखेंगे, और आदिकाल की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो कल वीडियो आएगा उसके अंदर हम राष्ट्र साहित्य है जैन साहित्य है उनके बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम तीन पॉइंट पढ़ने वाले हैं, आदिकाल के जो नामकरण है वो और भूमिका के बारे में और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उस उन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए आदिकाल को दिए गए नाम इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने कि भाई बीज वपन काल, कौन सा बीज वपन काल अगर यहाँ पे लिखा है तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भाई बीज वपन काल है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नाम रखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि भाई मैं इसके अंदर आदिकाल का नाम है जो बीज वपन काल ही रखूंगा, तुम लोग जो चाहो वो करो। हजारी प्रसाद को गुस्सा आया और उन्होंने कहा भाई ये आदिकाल है ना तो इसका नाम आदिकाल ही रहने दो, मैं आदिकाल ही करूंगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम है अपने हिसाब से आदिकाल ही कर दिया। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनके साथ साथ देने वाले थे वो थे रमा शंकर जी शुक्ल, जिन्होंने इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साथ दिया था, इस कारण से जो है जीत है वो हो गई थी अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। लेकिन कुछ एक अपने जो थे उन्होंने अलग अलग नाम दिया, उनमें से देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जिनकी बात नहीं मानी गई थी वो थे अपने आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल। अब रामचंद्र जी शुक्ल जी ने कहा था कि भाई इसके अंदर तो वीरों की गाथाएं बहुत सारी जो रचनाएं हैं उन वीरों की रचनाएं रची गई है, तो आप इसका नाम क्यों नहीं वीर गाथा काल रख देते हो। लेकिन भाई इनकी बात को माना नहीं गया था, उन्होंने कहा था कि भाई सभी वीर जो गाथाएं पर कथाएं नहीं रची गई है, ऐसा नहीं है कि भाई सभी जो रचनाएं हैं वो वीर कथा पर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भाई इसके अंदर आप बोल रहे हो तो सभी रचनाएं अगर वीरों की होती तो हम कर देते इसका नाम, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और इसका नाम रखा गया क्या, आदिकाल। आदिकाल नाम रखने वाले कौन कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमा शंकर शुक्ल। अब क्या होता है कि भाई वीर काल रखने वाले कौन थे, वीर काल रखने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, इन्होंने कहा था कि भाई इसका नाम वीर काल रख दो और कुछ इसमें आनी जानी है नहीं। बाद में आए ग्रियसेन के बारे में हमने देखी है, पहले दो वीडियो अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा, पूछा जाएगा चारण काल नाम रखने वाले कौन थे, ग्रियसेन ने आदिकाल का नाम क्या रखा था तो चारण काल। अब भाई आपने देख लिया संधि और चारण काल, ठीक है। तो यहां पे देखिए संधि और चारण काल ये दोनों नाम रखने वाले कौन थे, अब ये संधि और चरण काल है जो नाम रखा था अपने डॉक्टर राम कुमार जी वर्मा ने। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको याद रख लेना है कि भाई राम कुमार वर्मा जी ने जो है संधि चरण काल नाम रखा था। लेकिन क्वेश्चन अगर इतना ही आए कि चरण काल नाम रखने वाले कौन थे तो गिरिसेन का नाम आपको। आरंभिक काल तो ये है, तो आरंभिक काल आदिकाल का नाम है जो आरंभिक काल रखने वाले कौन थे, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका नाम होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु के बारे में मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि इनका जो ग्रंथ है उसका नाम आपको बताना है। शून्यकाल या प्रारंभिक काल जो है नामकरण जो आदिकाल का रखने वाले थे वो थे अपने गणपति चंद्र जी गुप्त, कौन थे, गणपति चंद्र जी गुप्त ने शून्य काल नाम रखा था इस आदिकाल का नाम। उन्होंने कहा था कि ये भाई शून्य से शुरुआत ही जीरो से हो रही है तो इसका नाम क्यों नहीं शून्य काल ही रख दे, या फिर इसका नाम प्रारंभिक काल रखो। बात तो इनकी सही थी लेकिन इनकी बात को भी माना नहीं गया। राहुल शंकरचार्य आए, उन्होंने कहा सिद्ध सामंत काल रखो, भाई मेरी बात है भाई सिद्ध सामंत काल रखो, इसके अंदर सिद्धों ने अच्छे अच्छे इनकी रचनाओं को इसके अंदर समाहित किया गया इसलिए इसका नाम सिद्ध सामंत काल को, लेकिन भाई इनकी बात को भी नहीं माना गया और राहुल शंकरचार्य को भी हटा दिया गया। अंधकार काल देखें तो अंधकार काल है जो देखिए जो कमल या कुल का जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा वही अंधकार मिटा सकता है, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो कि अंधकार काल नाम रखने वाले आदिकाल का अंधकार काल नाम रखने वाले कौन थे, कमल कुल श्रेष्ठ। अपभ्रंश काल तो अब देखिए इसके अंदर है धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रदर्श शर्मा गुल्लेरी जी, जिन्होंने इसका नाम रखा था क्या, अपभ्रंश काल। यहां से आपको याद करना ही होगा कि भाई अपभ्रंश
काल है, आदिकाल का नाम रखने वाले कौन थे? तो धीरेन्द्र वर्मा जी और अपने चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी। आगे देखा जाए तो देखिए रासो शब्द की व्युत्पत्ति आती है, लेकिन अब हम एक बार इनको याद करेंगे। देखिए मैंने कहा था ना, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां पे आपको याद करवा के ही रहूंगा। कैसे? अभी देखिए यहां से आपको मैं पूछना स्टार्ट कर देता हूं। यहां से अब आपको बताना है, आपका टेस्ट है ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि ये टाइम पास नहीं है दोस्तों, ये एकदम अच्छी चीज है जिससे कि आपका एक तो रिविजन भी हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने है बीज वपन काल, ये नाम किसने रखा था इसका आपको बताना है आंसर। तो इस बार मैं बता रहा हूं ये नाम रखने वाले थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगर आदिकाल की बात करें, आदिकाल का नाम किसने रखा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर गाथा काल नाम रखने वाले कौन थे? तो इनका नाम तो आप भूल भी नहीं सकते, मुझे पता है वीर गाथा काल नाम रखने वाले थे आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल। वीर काल नाम किसने रखा था भाई? वीर काल नाम रखने वाले कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चारण काल नाम रखने वाले कौन थे? चारण काल नाम रखने वाले कौन थे? क्रिएशन। संधि और चारण काल नाम रखने वाले कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, याद रखना डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आरंभिक काल नाम रखने वाले कौन थे? मिश्र बंधु, ठीक है। और शून्य काल या प्रारंभिक काल नाम रखने वाले कौन थे? तो गणपति चंद्र गुप्त। सिद्ध सामंत काल नाम रखने वाले कौन थे? राहुल सांकरत्यान। अंधकार काल नाम रखने वाले कौन थे? डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ। अपभ्रंश काल नाम रखने वाले कौन थे? तो धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी। तो ये है अपने जो आदिकाल के नाम के ऊपर अपने अपने सुझाव, जो आदिकाल का नाम रखने वाले अपने अपने साहित्यकार जो अपने हिसाब से जो नाम रखने वाले थे उनके नाम, और इनका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए मैंने आपको एक बार रिपीट भी करवा दिया। अब दोस्तों आता है अपना रासो जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, बाकी रासो साहित्य है वो आपको अगले वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हुई है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो रासो शब्द का जो जन्म है विद्वानों ने अलग अलग बताया, परंतु सर्वमान्य मत है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिए गए रासक शब्द को माना गया है। देखिए रासक एक छंद का नाम है जिसमें होती है 29 मात्राएं। रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार हुई है। किस प्रकार हुई है वो हम देखेंगे, एक बार पहले इसको रिपीट करते हैं वापस कि भाई रासो शब्द की जन्म है जो विद्वानों ने अलग अलग बताया, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, उनके द्वारा दिया गया मत ही सर्वमान्य मत माना गया था, और उन्होंने कहा था रासक शब्द से ही रासों की उत्पत्ति हुई और इसको ही सर्वमान्य मत दिया गया। और ये जो रासक एक है क्या, ये एक छंद है, इसको ध्यान रखना 29 मात्राएं होती है इसके अंदर। और यहाँ पे सर्वमान्य मत किसकी बात को माना गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अब देखिए रासक शब्द की, रासक शब्द से रासो किस प्रकार बना? पहले रासक आया, फिर रास आया, फिर रास आया, फिर बन गया रासो। तो रासक नाम देने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने कहा था कि भाई रासक से रासो बना है और उनकी बात को ही माना गया। अब देखिए कुछ अलग अलग, जैसे कि अभी हमने देखा था कि आदिकाल के नामकरण के ऊपर भी कुछ विद्वानों में मतभेद थे, तो इसी प्रकार इस रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर भी कुछ विद्वानों में मतभेद थे। जैसे कि देखिए यहां पर है रहस्य है, कुछ एक ने कहा रहस्य है, कुछ एक ने कहा रसायन है, ठीक है। रसायन में तो मेन इंपॉर्टेंट अपने आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल भी आते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने अपने हिसाब से जो नाम दिए उनको हम देखते हैं कि भाई रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन कौन थे। क्वेश्चन ऐसी प्रकार आएगा, तो कवि राजा श्यामल दास थे एक, और एक थे काशी प्रसाद जायसवाल। अगर हम देखें कि रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन थे, तो वो रामचंद्र जी शुक्ल है, और बिसलदेव रासो में भी इसी शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। अगर देखा जाए कि रसिक शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन थे, तो ये ध्यान रखना आप नरोत्तम स्वामी है जिन्होंने रसिक शब्द से जो है रासो की उत्पत्ति मानी है। रास शब्द से जो रासो की उत्पत्ति है वो मानी गई है, वो मानी थी अपने नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगर देखा जाए रासूय, जो ये रासूय है इस शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है, वो मानी थी गारसा दत्ता सिंह, ठीक है। रासक शब्द से, यहाँ पे देखिए आगे ना, रासक शब्द से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, चंद्रवली पांडे और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, इन्होंने इन तीनों ने मिलकर ही अपनी बात रखी थी और इनकी बात को ही सर्वमान्य मत मिल गया था। तो यहां से आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि भाई रासक से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई थी। आदिकाल की भूमिका के बारे में अगर देखा जाए
तो आदिकाल की भूमिका को हम पढ़ेंगे, आदिकाल का समय हम देख लेते हैं, आदिकाल के बारे में मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो देख लेते हैं, बाद में हम आदिकाल को शुरू करते हैं। देखिए आदिकाल की भूमिका, जिसमें सबसे पहले बात यह बताई गई है कि 1050 से 1375 समय इसका समय माना गया है, जो रामचंद्र जी शुक्ल ने माना था और उन्हीं की बात को माना गया था। धीरेन्द्र वर्मा ने, आपको पता होगा, आदिकाल को क्या कहा था, अपभ्रंश काल कहा था, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी अपभ्रंश काल ही कहा था, और उन्होंने कहा था अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी इन्होंने कह दिया था। तो ये भरत मुनि ने अपभ्रंश को देशभाषा कहा, विद्यापति ने अपभ्रंश अवहट या देशिक बैना कहा था, शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी कहा था। आदिकाल का समय 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी तक के मध्य तक माना जाता है, लेकिन आप यहाँ से ये ध्यान रखना जो समय है वो 1050 से 1375 संवत ही माना गया है। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने राजा भोज से लेकर हमीर देव के बाद तक का समय है जो इस आदिकाल का समय माना है। आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया है 6 भागों में। कितने? 6 भागों में, एक रासो साहित्य, एक सिद्ध साहित्य, एक जैन साहित्य, एक नाथ साहित्य, एक लौकिक साहित्य, एक गद्य साहित्य। हम देखें